सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारे गेमर और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज मेरे पास है मिथो ड्राइव प्रो ऑन्स गेमिंग रेसिंग व्हील और इसके साथ साथ गियर कंट्रोलर और आता है पैडल। सो ये जो गैजेट है इसको हम पीसी में कनेक्ट करके और फोन में भी पीसी में और फोन में दोनों में कनेक्ट करके हम यहाँ पर रेसिंग गेम खेलने वाले हैं, जैसे कि अस्फाल्ट नाइट्रो हो गया। पीसी के लिए फोर्जा होराइजन 4 ये पीसी के लिए है और जो अस्फाल्ट नाइट्रो है उसको पीसी और फोन में दोनों में खेलने वाले हैं। इसमें गाइस जो GTA 5 है वो भी चल जाता है और जितने भी रेसिंग गेम है उसको कनेक्ट करके हम खेल सकते हैं इजीली, ठीक है। सो हम इसमें खतरनाक सी गेमिंग करने वाले हैं। सो यहाँ पर अभी इतना बड़ा बॉक्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा बॉक्स आएगा। भाई व्हील है भाई, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो स्टेयरिंग किसको कहते हैं, जो कि ड्राइव करते हैं ना हम कार की, भाई उतनी ही बड़ी स्टेयरिंग है। और अच्छा खासा मैंने पूरा इसका स्पेसिफिकेशन पढ़ा है, स्पेसिफिकेशन यहाँ पर देखा है, सब कुछ है। यहाँ पर PC 4 के लिए है, ठीक है, PS 4 के लिए है, PS 5 के लिए नहीं है ये। और इतने सारे कंट्रोलर हैं इसमें, देख सकते हो पूरा का पूरा बड़ा बॉक्स है ड्राइव प्रो ऑन्स, ठीक है। यहाँ पर निथो और यहाँ हमने थोड़ा सा ना क्या किए, उसको निकालते निकालते थोड़ा सा फट गया ये बॉक्स, थोड़ा सा मतलब अनबॉक्सिंग का इतना एक्सपीरियंस है फिर भी हम क्या ही बोले। सो इस बड़ा बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमको देखने के लिए मिलता है गियर शिफ्टर, तो इससे गियर चेंज कर सकते हैं। पूरा प्लास्टिक का ही फ्रेम है, मतलब चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिख रहा है हमें। गियर शिफ्टर है इसमें, आगे और पीछे दो तरफ गियर शिफ्ट होते हैं। और ये पैडल है, इसमें एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों का सिस्टम है और बिल्कुल इजी काम करता है या नहीं करता हमको देखना पड़ेगा। इसको भी हम साइड में रख देते हैं, बाद में और भी अच्छे तरीके से हम इसको देखने वाले हैं। यहाँ पर एक कार्ड मिल जाता है जो कि स्टॉप लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में और यहाँ पर काफ़ी सारे कनेक्टर हमें देखने के लिए मिलता है पीसी से कनेक्ट करने के लिए और इनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर लास्ट में हमें देखने के लिए मिलता है जो कि हमारा खतरनाक सा व्हील स्टीयरिंग है, मतलब स्टीयरिंग व्हील है। ये जो स्टीयरिंग व्हील है ना, समझ लो एक प्रकार से गेम पैड है, ठीक है, क्योंकि पूरा गेम पैड इसको स्टीयरिंग में कन्वर्ट कर दिया है, बाकी काम वैसे ही करता है। सो इसकी क्वालिटी भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट काफ़ी हद तक अच्छा क्वालिटी है। इसमें राइट और लेफ्ट साइड में, जैसे कि मैंने हैंडल में पकड़ा था, वहाँ पे गाइस ग्रिप है और वो रबर की है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रिप रहेगी ना काफ़ी शानदार रहेगी। इसके नीचे के साइड यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिल्वर कलर का लेफ्ट और राइट है। यहाँ पर जॉयस्टिक देख सकते हो, एक साइड है राइट साइड में जॉयस्टिक है और लेफ्ट साइड में वो बटन है, मतलब जॉयस्टिक जैसा ही है पर एक प्रकार से बटन ही है, ठीक है। इसकी ग्रिप देख सकते हो काफ़ी हद तक अच्छी है, पीछे से कुछ ऐसा है और इसको हमको खोल के लगाना पड़ेगा। पूरा सेटअप बताऊंगा मैं। ये जो है वो जो गियर है ना उसको जो बड़े वाले व्हील है उससे कनेक्ट करने के लिए है। ये कुछ भाई साहब नट बोल्ट दे दिए गए हैं, जहाँ आप लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हो। और ये जो है यदि आप इसको ये बड़े वाले व्हील में लगा के नीचे रखना चाहते हो तो बिल्कुल नीचे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यदि आप टेबल में लगाना चाहते हो टेबल के लिए अलग है, यदि नीचे रखना चाहते हो तो नीचे के लिए भी है। यहाँ पर USB 2 Type-C केबल है और ये जो स्टॉप का जो कार्ड था हमने देखे थे ये वो है, इसको हम साइड में रख देते हैं। मतलब निथो जो है उसका कुछ सिस्टम है भैया इसमें। और एक और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जिसको हम पढ़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। USB नॉर्मल केबल है गाइस, यहाँ पर USB 2 Type-C नहीं है। और ये हमने सेटअप करने के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम गियर शिफ्टर लगाएंगे, उसके बाद जो हमारा स्टीयरिंग व्हील है इसको लगाएंगे, क्योंकि यार यहाँ पर थोड़ा सा इसको भाई उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उतना भी ज़्यादा कठिन नहीं है, इसमें सब कुछ इजी है, जो बंदे लगाना चाहे वो आराम से लगा सकते हैं। वैसे हम तो लगा ही रहे हैं। नीचे में जो होल दिख रहे हैं ना इतने सारे, और वो जो मैंने आपको ब्लैक सा दिखाया था चिपकाने के लिए, उसको वहाँ पे लगा दो तो बिल्कुल यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब टेबल में कसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे नीचे रखोगे वो चिपक जाएगा, ठीक है। और हमने यहाँ पर नीचे में टेबल में लगा के पूरा कस दिए हैं, आप यहाँ पर गियर इजीली लगा सकते हैं और ये जो हमारा व्हील है उसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ये हो चुका है। और जो पैडल है हम उसको नीचे में लगाएंगे और इसका जो सेटअप है ना बिल्कुल सरल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक USB जो केबल है उसको लगाना है अपने पीसी में, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो केबल है उसको हम लगाते हैं गियर शिफ्टर में और उसका जो अपोजिट वाला केबल है उसको हम लगाते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा स्टीयरिंग व्हील है वहाँ पे। देखो इस टाइप से आपको लगाना है, वहाँ पर चित्र भी बना है, मतलब मेंशन है पहले से कि इस टाइप से लगाना है उसको।
और जो हमारा पैडल है उसको, मतलब जो पैडल का केबल है उसको भी हम इसी में लगाएंगे स्टेयरिंग व्हील में। सो ये एक दूसरे, तीनों जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। अब ये जो USB केबल है उसको हम लगाते हैं हमारे PC में, जहाँ पर USB पोर्ट है यहाँ पे हमने लगा दिए। जैसे हमने लगाए यहाँ पर लाइट जलना चालू हो चुका है, गुलाबी कलर का है, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो चुका है। अब इसमें हम खेलने वाले हैं फोर्ज़ा हॉरिज़न 4 खेलने वाले हैं, बट यहाँ पर इसमें PC में ही नहीं फ़ोन में भी खेल सकते हैं। तो हम ना फ़ोन में भी खेलेंगे, बट यहाँ पर आपको दिखा दूँ कितनी सारी बटन है। ऊपर का साइड 3 × 6, अब वो तो हो गया, काफ़ी सारे इसमें सेटअप करना की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप फ़ोन में इसको लगाओगे, एक आपको कनेक्टर चाहिए होगा, जो USB पोर्ट है उसको टाइप सी में कन्वर्ट करने के लिए एक कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि वहाँ पर आप देख सकते हो कि है मेरे पास, और मैंने उसको इजीली लगा दिया हूँ। आप यहाँ पर मैं खेल रहा हूँ असफॉल्ट नाइट्रो, जैसे कि आप देख सकते हो जो रिस्पॉन्स है व्हीकल को मैं इधर उधर घुमा रहा हूँ, स्टेयरिंग को घुमा रहा हूँ, तो जो हमारी व्हीकल है, जो हमारी कार है, वो कतई इधर उधर कट रही है, और हम यहाँ पर रेस कर रहे हैं इससे, और ब्रेक भी दबा सकते हैं, और जो हमारा गियर शिफ्टर है उससे बूस्ट हो रहा है। यदि दो बार मैं क्लिक करूँ गियर को, जैसे कि मैंने बताया था और अभी करके भी दिखाया था, वैसे ही करूँ तो दो बार करने से काफ़ी ज़्यादा जो स्पीड है वो बूस्ट हो जाती है, और इस प्रकार से आप स्टीयरिंग कंट्रोल कर सकते हो, मतलब पूरी की पूरी कार कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर इस व्हील से। जैसे कि मैंने दो बार इसको क्लिक किया, देख सकते हो भाई, पीछे की और लेके आता हूँ तो बूस्ट होता है, और सामने की और लेके जाता हूँ तो मतलब जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, मतलब ब्रेक लगता है। इसमें पूरा का पूरा कंट्रोल ऑटोमेटिक है। जैसे ही आप इसको लगाओगे, इस USB को टाइप सी में लगाओगे और फ़ोन में कनेक्ट जैसे ही करोगे, कोई ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थर्ड पार्टी ऐप ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिक चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अब PC में गेमिंग करते हैं। अभी जो मैं PC में गेम खेल रहा हूँ वो है असफॉल्ट नाइट्रो, ठीक है, असफॉल्ट नाइट्रो। और इसमें ज़्यादा कुछ सेटअप करना ही नहीं है, एक USB जो इसके साथ आया था स्टीयरिंग के साथ है, उसको लगाना है हमारे PC में, और जैसे ही लगाओगे बूम भाई साहब चालू हो जाएगा सारा सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर मैंने काफ़ी तगड़ी गेमिंग किया है, और यहाँ आप देख सकते हो मैं जैसे ही स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ वैसे ही सब कुछ यहाँ पर हो जा रहा है, और जो गियर शिफ्टर है वो भी ढंग से काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब जितना मैं कुछ कर रहा हूँ सब कुछ हो रहा है, ओ भाई तेजी देख सकते हो, ठीक है। अभी जो मैं सबसे खतरनाक गेमिंग खेलने वाला हूँ, सो इसमें तगड़ी ग्राफिक्स है, सब कुछ यहाँ पर तगड़ा ही तगड़ा है। अब हम यहाँ पर लास्ट गेम खेलने वाले हैं फोर्ज़ा हॉरिज़न 4, सो इसमें खतरनाक ग्राफिक्स है, और पूरा का पूरा ऑटोमेटिक कंट्रोल है, पूरा का पूरा मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, बट ये थोड़ी सी सेंसिटिविटी ना यहाँ पर कम ज़्यादा हो रही है, मुझे उतना भी अच्छा जज नहीं हो रहा है। थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पर हम पीरो प्लेयर बन सकते हैं भाई, ड्राइविंग दांव चलाएंगे, और इस स्टीयरिंग व्हील से GTA 5 भी प्ले कर सकते हैं, बट उसमें करेक्टर मूव तो नहीं होता, बट उसकी जो व्हीकल है वो चल सकती है इससे, ठीक है। बाकी तुम कंप्यूटर से कनेक्ट करके यहाँ पर गेमिंग कर सकते हो कीबोर्ड से, और जैसी गाड़ी चलाना है भाई साहब, यहाँ तगड़ी गाड़ी चलेगी इस व्हील से, मज़ा भी आता है भाई। मतलब कि मुझे ना सच में एक्सपीरियंस इसका काफ़ी हद तक अच्छा लगा है। और गाइस बस आज के लिए इतना ही, काफ़ी मज़ा आया हमें, कुछ नया नया ट्राई करते रहते हैं हम हमारी वीडियोस में, जैसे कि यहाँ पर हमने व्हील ट्राई किए, गेम पैड, और हम काफ़ी सारे कीबोर्ड भी लेके आते हैं, और मतलब कि इंटरेस्टिंग गेमिंग से रिलेटेड हम बहुत कुछ लेके आते हैं हमारे चैनल में। तो यार हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इस वीडियो को लाइक कितने सारे करो कि क्या ही बोल सकते हैं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन पर सेट कर डालना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लेके आते रहते हैं हमारे चैनल में। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माय फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।